तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हे गिरिधर, जब गोकुल पर आफत आई, आंधी तूफान बरसात से लोग परेशान हुए, तब आपने गिरि पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर उनकी रक्षा की। आज मनुष्य जाति पर कुछ उसी तरह की आपदा आ गई है। चारों ओर महामारी फैली है, लोग परेशान हैं। तभी हमारे सभी डॉक्टर, नर्स, साइंटिस्ट, जो कि आपके ही रूप हैं, वो भी आपकी तरह इस मुश्किल घड़ी के गिरि पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए खड़े हैं। बस आपसे एक ही प्रार्थना है प्रभु, हमारे कोरोना योद्धाओं को सलामत रखना, उनकी हिम्मत बढ़ाए रखना, सबको स्वस्थ रखना और सबको हंसाए रखना। जय गिरिधर। ओहो, आज तो बहुत सारा काम है। ऐसा लग रहा है कि काम खत्म होते होते कल की सवेरे हो जाएगी। पोपट भाई के यहाँ सामान पहुँचाना है, माधवी भाभी के यहाँ पहुँचाना है, अंजलि भाभी के यहाँ पहुँचाना है, एक और मैसेज। बच गया। अरे क्या बच गया, टकरा तो गया? नहीं चाचा जी, मोबाइल बच गया। चाचा जी, आपको लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगी। अरे इन हड्डियों में अभी भी ताकत है, असली घी जो खाया है। लेकिन तू क्या कर रहा है भाई, तेरा ध्यान कहाँ था? मोबाइल में। जब से ये मोबाइल आया है ना, सब लोग चलते चलते भी मोबाइल में ही देख के चलते। जिसे देखो उसकी मुंडी बस ऐसे नीचे। तू देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि मुंडी ऐसे ऊपर करने के लिए भी डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। सॉरी चाचा जी, बहुत सारे मैसेज आए थे ना, वो पढ़ रहा था। क्यों, आज तेरा जन्मदिन है? अरे वाह अब्दुल, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। नहीं 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 चाचा जी, वो कस्टमर का मैसेज आया था ना, वो पढ़ रहा था। वो कह रहा चाचा जी, रंगतरंग घूमने के लिए गए थे ना, तो बहुत सारा काम रह गया था, वो ही देख रहा था। हाँ नहीं नहीं बराबर, काम पहले, काम से ही नाम है। चाचा जी आपको कुछ चाहिए? अरे नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए। चाचा जी अगर कुछ चाहिए तो फोन करके बोल देना, पहुँचा दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन अब्दुल, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चलते वक्त सामने देख के चलना चाहिए, ऐसे मोबाइल में देख के नहीं चलना चाहिए, समझा? ठीक है ठीक है, चलिए मुझे, मैं तो सबके घर पे ही जाना है। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, माफ करना यार, थोड़ा टांग फैला के बैठा हूँ। क्या बात है, क्या लाए हो मेरे लिए? कुछ नमकीन वमकीन, करारे बिस्कुट है? मेहता साहब, जो मजा बिस्किट और नमकीन खाने में आएगा ना, उससे कई ज्यादा मजा ये चीज देखने में आएगा। अच्छा, ऐसा क्या लाए हो? झटका। क्या बातें कर रहा है तू आज भाई, झटका मतलब क्या झटका? अंजलि भाभी ने जो भी सामान मंगाया ना, उसका नाम सुनकर आपको झटका लगेगा। ऐसा क्या मंगाया अंजलि ने? अरे अब्दुल भाई आप आ गए। हाँ? और आप अब तक ऑफिस के लिए रेडी नहीं हुए? ऑफिस नहीं जाना? अरे हो जाएंगे। अरे मेहता साहब तो ऐसे लेटे जैसे रंग तिरंग के स्विमिंग पूल पे आराम से लेटे है, छुट्टी के मूड में है। बिल्कुल सही कहा तूने अब्दुल, अभी तक छुट्टी का मूड ही चल रहा है भाई, ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा। और वैसे भी अभी तो 8 बजे भाई, बहुत टाइम है, 10 बजे जाना है। अरे मेहता साहब 9 बज गए। अरे क्या बात कर रहा है अब्दुल, देखना 8 बज रहे, वो देख घड़ी सामने। तारक सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, घड़ी की बैटरी खराब हो गई है, अभी 9 ही बजे है। क्या 9 बजे? अब्दुल भाई आपको मैंने बैटरी कहा था लाने के लिए, आप लाए हो ना? हाँ, आपने जो जो मंगाया सब लाया हूँ। ये मेथी, ये अजवाइन, ये आंवला, ये नीम का जूस और ये बैटरी। वेरी गुड, थैंक यू। अरे बाप रे, लगाना झटका। और ये बिल। चलो मैं चलता हूँ। थैंक यू अब्दुल भाई। मैं तो गया काम से। देखिए तारक, अब ये चीटिंग है, रंग तरंग रिसोर्ट में आपने अपने मन का खाया था ना, तो अब घर पे आपको मेरे मन का ही खाना पड़ेगा, मतलब मैं जो डाइट फूड दूंगी वही फॉलो करना पड़ेगा। अरे अंजलि, डाइट फॉलो करने के लिए कौन मना कर रहा है भाई, वो तो मैं हमेशा करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। लेकिन अंजलि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, घड़ी बंद है, बैटरी खराब हो गई है।
सॉरी तारक, सुबह को घर पर इतने काम होते हैं, मैं भूल गई। अरे क्या सॉरी अंजलि, बताना चाहिए था ना भाई। अब कल रात की बात है, बॉस ने मुझे फोन पे स्पेशली कहा था कि आज बिल्कुल वक्त पे आ जाना, बहुत ज्यादा काम है। और आज ही अगर लेट हो गया ना तो पूछो मत क्या हाल करेगा वो मेरे दो माथे का बॉस। अब एक मिनट तारक, आप हमेशा अपने बॉस को दो माथे वाला बॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके दो माथे हैं। अरे हाँ भाई, दिखता एक ही है लेकिन एक्चुअली दो माथे हैं। एक पल में कुछ सोचते हैं, दूसरे पल में कुछ और सोचते हैं। अभी खुश, अभी दुखी, पल में तोला, पल में माशा, दो माथे के बॉस हैं। मैते, कई बार मैं बेकार की बकवास करता हूँ ना, टाइम पे ऑफिस आ जाओ, फटाफट काम करो, ओवर टाइम करो। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम मेरी बातों को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो? मेरा इतना कहने के बाद भी हर रोज लेट क्यों आते हो? सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं नहीं, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है भाई। सुबह सुबह कितना ट्रैफिक होता है, तुम ट्रैफिक में फंस गए होगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर, मैं ट्रैफिक में ही फंस गया था। अगली बार ट्रैफिक का बहाना बनाया तो नौकर से निकाल दूंगा। इस दुनिया में जो भी लेट होता है वो ट्रैफिक को ही ब्लेम करता है, बेचारा मासूम ट्रैफिक। अरे उसको तो पता भी नहीं होगा कि तुम जैसे घटिया लोग उसको इतना बदनाम करके रखते हो। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। तारा किस सोच में पड़ गए? अरे मैं ये सोच रहा हूँ आज ऑफिस लेट जाऊंगा तो मुझे कितना सुनाने वाले हैं मेरे बॉस, क्या क्या नहीं कहेंगे, मेरी हालत खराब कर देंगे। नहीं, आपके पास ये भी सोचने का टाइम नहीं है, चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए, वरना याद है आपके दो माथे वाला बॉस। हाँ बोल बागा। हाँ सेठ जी, आप जाग गए हैं कि अभी भी सो रहे हैं? नहीं भाई, मैं तो सो रहा हूँ और मस्त तेरा ही सपना देख रहा था भाई। अच्छा, मेरा क्या सपना देख रहे थे? कि मैं दुकान में काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और तू बागीचे में बाबूरी जी के साथ लटोड़ा पटोड़ा होके टहल रहा है। अच्छा, इसीलिए बाबूरी जी आज मेरे सपने में नहीं आई। ए जोक्सर, ना ही मैं सो रहा हूँ ना ही मैंने ऐसा कोई सपना देखा है। मैं तो तैयार होकर दुकान आने के लिए निकल रहा हूँ, चल बोल फोन क्यों किया? मैंने आपको ये याद दिलाने के लिए फोन किया है सेठ जी कि आप दुकान आज टाइम पे आ जाना, आज वो मीरामार रिसोर्ट की डिलीवरी भी तो करनी है। हाँ याद है मुझे भाई, तू पहुँच गया? मैंने आपको ये बताने के लिए भी फोन किया है सेठ जी, आज दुकान आते आते मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। क्यों? वो क्या है, मुझे अर्जेंट बावरी जी से मिलने जाना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ बावरी को? नहीं नहीं हुआ कुछ नहीं है, लेकिन क्या है इतने दिनों से मैं बावरी जी से मिला नहीं हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बहुत नाराज है। मैं कब से उनको फोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहे हैं। आता दुकान के बाद शाम को जाकर मिल लेना भाई, अभी सुबह सुबह क्या है। मैंने पहले यही सोचा कि दुकान बढ़ाने के बाद मैं बावरी जी से मिल लूंगा। हाँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि पूरा दिन मेरे दिमाग में बावरी जी का ख्याल चलता ही रहेगा तो मेरा काम में मन नहीं लगेगा और मुझसे गड़बड़ पे गड़बड़ होती ही रहेगी सेठ जी। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी दुकान आने से पहले एक 5 मिनट बावरी जी से मिल लेता हूँ और जो भी मामला है वो सुलटा देता हूँ और बस फिर तुरंत दुकान आ जाऊंगा। ठीक है जा, और जल्दी आ जाना भाई। हाँ हाँ सेठ जी, बावरी जी ने अगर मेरा फोन उठा लिया होता तो मैं उनसे मिलने भी नहीं जाता, सीधा दुकान आ जाता। हाँ ठीक है, तू जा और जल्दी आ अभी, चल। हाँ हाँ आ जाऊंगा सेठ जी, और अगर जाते जाते बावरी जी ने मेरा फोन उठा लिया तो मैं फोन पे ही मामला सुलटा लूंगा, उनसे मिलने भी नहीं जाऊंगा, सीधा दुकान आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है सेठ जी। अच्छा सुन, वो कॉन्ट्रैक्टर को आज फोन करके बुला ले, बोल मैं मिलना चाहता हूँ। क्या चल क्या रहा है भाई, दुकान का काम खत्म ही नहीं हो रहा है। ओ सेठ जी, कॉन्ट्रैक्टर आपसे मिलने नहीं आ सकता। क्यों, उसके पैरों में मेहंदी लगी है? नहीं, हाथों में मेहंदी लगी है। कॉन्ट्रैक्टर हाथों में मेहंदी लगाता है? कॉन्ट्रैक्टर के हाथों में नहीं, उसकी बहन के हाथों में मेहंदी लगी है। वो क्या है, उसकी बहन की शादी है ना, इसलिए वो गाँव गया है, इसलिए वो आपसे मिलने नहीं आ सकता। तो कब आ रहा है वापस? वो तो मैं पूछ के बताता हूँ। और मैंने तो उसको ये पूछ कि दुकान रेडी करके कब दे रहा है भाई, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि किसी ने मुझे गोडाउन में कंटेंट इन करके रखा है। ठीक है सेठ जी, मैं सब पूछ के आपको बताता हूँ। ठीक है।
अरे बहुत लेट हो गया है ऑफिस के लिए। मेरा वॉलेट कहाँ है अंजलि? मेरा वॉलेट कहाँ है? यहाँ है और आपका रुमाल। थैंक यू अंजलि, मुझे बहुत लेट हो गया, मैं चलता हूँ। अरे तारक सुनिए तो। अरे कुछ नहीं सुनूंगा अंजलि, मैं बहुत लेट हो गया, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सुनिए। क्या सुन? आप और एक चीज भूल रहे हैं। अब क्या भूल गया हूँ? पैंट पहनना। क्या पैंट? ऐसे ही जाना ऑफिस? नहीं, क्या जल्दबाजी में इतना लेट हो गया ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक मैं काम करता हूँ, मैं पैंट पहन लेता हूँ, तुम जरा मेरा लैपटॉप रेडी कर दो ना प्लीज। ये तारक थी ना, पहले खुद लेट करते हैं फिर सारा घर सिर पे उठा लेते हैं। अंजलि अंजलि हो गया मेरा बैग तैयार? हाँ हाँ हाँ। मुझे बहुत लेट हो रहा है, जल्दी लाओ। चलो चलता हूँ। भूल गई। अब क्या भूल गई हो? आपका टिफिन। अरे वो लेना जरूरी नहीं है अंजलि। आपके लिए जरूरी नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है। अरे दो मिनट रुकिए, इसका क्या मैं भी। ये टिफिन और ये सैलेड फटाफट खा लीजिए। भाई अंजलि मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं जल्दी में, मेरे को लेट हो रहा है। अरे आपने कुछ खाया नहीं है, खाली पेट एसिडिटी होती है तारक, आप खाली पेट ऑफिस नहीं जा सकते, जल्दी से खा लीजिए। अंजलि मैंने बोला ना मुझे लेट हो रहा है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, मैं नहीं खा सकता हूँ। अरे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस दो मिनट। अरे दो मिनट में इतना घास फूस एक सामान्य इंसान क्या बकरी भी नहीं खा सकती, पर मैंने इतना खा लिया ना तो मेरे सींग निकल आएंगे। अच्छा तो वो क्या है? वो सींग नहीं है दो? अंजलि आप ही ना बहुत मजाक करते हैं, आज से जंक ए डाइट शुरू हो गई है, याद है ना आपको? अरे भाई याद है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि मैं तीन बार कह चुका हूँ मैं जल्दी में हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं नहीं खा सकता हूँ अभी। हाँ तो कोई बात नहीं, आज मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली, आप बिना खाए नहीं जा सकते। लेकिन अंजलि मेरे पास टाइम नहीं है, समझने की कोशिश करो प्लीज। सिर्फ दो मिनट लगेंगे, मैं आपको बिना खाए नहीं जाने दूंगी। हो गया, चलो। वेरी गुड, मैं आपके लिए कैब बुक कर दूं? कैब बुक मत करो अंजलि, मैं बहुत जल्दी में, मुझे लेट हो रहा है, कैब में बहुत टाइम लग जाएगा भाई, पहले तो बुक करना। बुक करने में चार पांच कैब दिखाता है, अभी आ जाएगी, लेकिन जब बुक करो तो 20 मिनट में आती है, और 20 मिनट भी आती नहीं है। ड्राइवर को चार बार फोन करो आ जाओ, तब आधे घंटे में भाई साहब आएंगे, और कई बार खुद कैंसिल करे तो हमें चार्ज देने पड़ते हैं। नहीं भाई नहीं। अरे इतने में तो कैब आ भी जाता जी। अंजलि रिक्शा से चले जाइए। पर रिक्शा इस बरसात के सीजन में कहाँ रिक्शा मिलेगा अंजलि? तो पैदल जाएंगे। अंजलि आइडिया, सॉरी मुझे ड्रॉप कर देगा। हाँ यही सही रहेगा, मैं फोन कर देता हूँ। फोन का? अरे वो रहा फोन भाई। हेलो मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग छोड़ी। आज सुबह सुबह बंदे को याद किया, कोई पार्टी शार्टी का प्लान है? अरे सुबह सुबह काहे की पार्टी शार्टी, बस मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि तुम अभी तक घर पे हो या गैरेज के लिए निकल गए हो? ओ ना जी ना, मैं तो घर पे ही हूँ, अपनी पेट की सर्विसिंग कर रहा हूँ। मतलब की लस्सी घटक रहा हूँ। अरे वाह, तो तुम अभी गैरेज के लिए निकलने वाले हो ना? हाँ। बहुत बढ़िया, तो तुम जरा मुझे ऑफिस छोड़ दोगे, हम साथ में जाएंगे? ओ वाह जी वाह, ये तो बढ़िया है, एक से भले दो, दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है तुम जल्दी नीचे आओ, मैं भी निकलता हूँ। ओ जी बस दो मिनट में आया लस्सी खत्म करके। ओके ये लीजिए। अब ये क्या है? सैनिटाइजर? हाँ पेट का सैनिटाइजर, आंवला और करेले का जूस। अरे अंजलि अब ये जूस क्यों? मैंने अभी तो सलाद खाया है ना, अब मेरे पास टाइम नहीं है। अरे टाइम नहीं है इसलिए तो ये लाई हूँ, इसे चबाना नहीं पड़ेगा, गड़गड़ करके निकल जाइए। अरे पीना तो बाद की बात है, लेकिन पीने के लिए इसे होटल तक ले जाने में कितना टाइम लगेगा? अरे क्या सोच रहे हैं, आपको लेट नहीं हो रहा है, ऑफिस नहीं जाना? अच्छा एक काम करता हूँ, मैं शाम को आके पी लूंगा पक्का। शाम को दो ग्लास पियेंगे? हाँ पी। दो ग्लास क्यों? हाँ अभी सुबह का ग्लास और एक शाम का ग्लास, अभी मिस करेंगे तो शाम को तो पीना पड़ेगा ना। अरे अंजलि तुम कमाल करती हो, लोगों का अगर ब्लड टेस्ट किया जाए ना तो उनका ब्लड ग्रुप निकलेगा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, और तारक मेहता का किया जाए तो निकलेगा के पॉजिटिव। के मतलब के पॉजिटिव? करेला पॉजिटिव। अंजलि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। तारक मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, मैं आपको जूस पिए बिना नहीं जाने दूंगी। अरे अंजलि ये कोई, चलिए अभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, फटाफट पी लीजिए। अरे क्या फटाफट पी लो अंजलि, ये कोई ऑरेंज जूस थोड़ी है जो फटाफट पी लिया जाए, ये करेले का और आंवले का जूस, इसे पीने में टाइम लगता है और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अरे तो बस दो मिनट लगेंगे तारक, पी लीजिए ना। नहीं मानोगी ना तुम। अरे कुकर
कार की सीटी बजी है। ओ, मुझे लगा रेल का इंजन है। अच्छा अभी लेट नहीं हो रहा आपको? लेट हो रहा, भेजाता हूँ। अच्छा एक मिनट अब क्या हो गया है? एक सेकंड, कैसे बोल सकते हैं? बाय बाय। पिड़ू वहाँ व्यस्त है, मौका जबरदस्त। अगर दिन की शुरुआत थोड़ी मस्ती से हो जाए तो दिन मस्त मस्त गुजरता है। मेहता साहब। अरे बड़े, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये आपको शोभा नहीं देता मेहता साहब। क्या आपने जूते के फीते बांधना? नहीं, मुझे पत्थर मार के जूते के फीते बांधने की एक्टिंग करना। पत्थर? कौन सा पत्थर? ये पत्थर मारा आपने। कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो भिड़े? मैं एक लेखक हूँ, परिपक्व इंसान हूँ, ऑफिस जाने के लिए वैसे ही देरी हो रही है। मैं तुम्हें पत्थर मारूंगा? इस तरह का मजाक करूंगा? क्यों मारूंगा मैं तुम्हें पत्थर? वो तो आपको पता, मुझे क्या पता। अरे कैसी बातें कर रहे हो भिड़े? मैंने तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारा भिड़े, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? गुड मॉर्निंग यारो। ओ, इसे कहते एक पत्थर और दो शिकार। मतलब? ओ, मतलब ये कि मैंने पीड़ू का मजा लेने के लिए उसे पत्थर मारा और फंस गए मेहता साहब। भाई मजा आ गया। ए, सोड़ी, सुबह सुबह कौन मस्ती करता है भाई? और ऐसी मस्ती सोड़ी, ऐसी मस्ती। ओए यारो, वो मस्ती करने का कोई टाइम और टाइप होता है? जब मन किया कर ली मस्ती। चल भाई चल सोड़ी, मुझे थोड़ी जल्दी है, मुझे ऑफिस छोड़ दे। एक मिनट मेहता साहब, मैंने मस्त बढ़िया सुविचार लिखा है, जरा पढ़ के तो जाइए। अरे मैं शाम को पढ़ लूंगा, अभी मैं बहुत जल्दी में। अरे मेहता साहब, शाम तक रहेगा नहीं सुविचार। अरे भिड़े, जो सुविचार शाम तक न रहे वो काहे का सुविचार भाई? अरे तसे नहीं रहेगा नहीं, मतलब कुछ नोटिस वोटिस लिखनी पड़ी तो पूछना पड़ेगा ना, इसलिए अभी पढ़ लो ना आप। अच्छा अच्छा अच्छा, समय बड़ा बलवान, यही है विधि का विधान, इसके आगे सब फीके, चाहे गरीब हो या धनवान। क्या बात है, बहुत बढ़िया भिड़े, सचमुच सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये। थैंक यू मेहता साहब। अरे ढूंढ ढूंढ के सुविचार निकालता हूँ मैं। समय बड़ा बलवान, समय के आगे किसी की कुछ नहीं। समय? अरे देवा, अरे मुझे बहुत सारे काम है, मैं भूल ही गया। चलो चलो मिलते हैं बाद में। सॉरी मेहता साहब, सॉरी। सोड़ी भाई, मैं तुझे इतनी देर से कह रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है। कहाँ तेरी गाड़ी, छोड़ दे भाई ऑफिस। गड्डी तो सुरिंदर लेके आ रहा है। कौन सुरिंदर? सुरिंदर मेरा यार। वो कल रात को ना उसको अपनी फैमिली को कहीं लेके जाना था, तो इसलिए वो मेरी गड्डी ले गया। पर घर से निकल गया है, बस आता ही होगा। पर सोड़ी, जब अपनी फोन पे बात हुई, मैंने कहा मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, तो मुझे ऑफिस छोड़ दोगे? तुमने कहा मैं छोड़ दूंगा, पर तुमने तभी क्यों नहीं बताया कि गड्डी सुरिंदर के पास है? कमाल करते हो मेहता साहब, फोन पे आपने नहीं बताया था कि लेट हो रहे हो, आपने कहा साथ में चलना है, मैंने कहा ओके साथ में चलते हैं। अरे सोड़ी, जब गड्डी नहीं है तो साथ जाने का क्या मतलब, मतलब पैदल जाते हैं दोनों? तो मुझे क्या पता था कि आपको मुझसे ज्यादा मेरी गड्डी प्यारी है, तो मुझे लगा आपको मेरा साथ बड़ा पसंद है। सवेरे सवेरे तुसी मेरा दिल दुखा देता। ओ नहीं 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 सोड़ी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, दिल दुखाने वाली बात कहाँ से होगी। मुझे आज ऑफिस के लिए असल में बहुत देर हो गई थी, इसलिए मुझे लगा मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, तुम मुझे गाड़ी में छोड़ दोगे क्या? मैं तो छोड़ने के लिए तैयार हूँ मेहता साहब, पर सुरिंदर थोड़ी देर में गड्डी लेकर आता ही होगा, फिर छोड़ दूंगा आपको। और तुम्हारे वो सुरिंदर को आने में देर होगी तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा सोड़ी। मेहता साहब, मेरी गल हो गई है, वो रस्ते में ही है, वो किसी भी सेकंड पहुंच सकता है, थोड़ा सब्र कीजिए ना। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरणगर्भाय नमः, मरीचय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदि देव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमः भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग जेठाल। गुड मॉर्निंग जेठाब्रा। अरे गुड मॉर्निंग छोटे, गुड मॉर्निंग मेहता साहब। क्या मेहता साहब ऑफिस जा रहे हैं? ऑफिस नहीं जा रहा जेठाल, ये लैपटॉप बैग, इसमें लैपटॉप है, ये लेके और ये टिफिन लेके सामने गार्डन में जाऊंगा, लैपटॉप पे काम करूंगा, टिफिन से खाना खाऊंगा, और जो गार्डन में मेंढक उछल कूद रहे हैं ना उन्हें देखूंगा। ये क्या नया चालू किया है? अरे तंज किया है मैंने तुम पे जेठालाल। क्या किया? छोड़ो, कुछ नहीं किया।
मुझे पता करो ना कब आ रही है गाड़ी तुम्हारी, मुझे लेट हो रहा है। कब आ रही है मतलब कहाँ से आ रही है तेरी गाड़ी छोटी? अबे वो सोढ़ी की गाड़ी इसका दोस्त सुरेंद्र लेके गया, वो वापस लौटाने आ रहा है। अरे सोढ़ी तेरी गाड़ी आ रही है, मैं रिक्शा में जाऊँ? अरे नहीं नहीं माता साहब, आप रिक्शा में मत निकलो, मैं भी आ रहा हूँ, साथ में चलते हैं। अरे पर मुझे लेट हो रहा है जेठालाल। अरे दो मिनट रुको ना भाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात भी करनी है। क्या बात करनी है? वो नीचे आके बताता हूँ ना भाई, दो मिनट में अभी आया। जल्दी आना। आया आया, दो मिनट जल्दी जल्दी। बापू जी कौन सा आसन कर रहे हैं आप? अरे आसन नहीं कर रहा हूँ जेठिया, गिर गया हूँ मैं। एक मिनट अरे कैसे? संभाल संभाल, कैसे गिर गया बापू जी? ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं बच गया। पर अब गिर कैसे गए? ये तुझे दिख नहीं रहा है, मैंने चश्मा नहीं पहना है। अरे हाँ, चश्मा क्यों नहीं पहना आपने बापू जी? चश्मे का नंबर कम करने का कोई नया खतरा है क्या? हाँ, वो हमारे यंग गर्ल ग्रुप में वो नेटवर है ना, उसने मुझसे कहा कि देख चंपक, तू एक काम कर, तू है ना रोज सुबह थोड़ा थोड़ा टाइम बिना चश्मे के चला कर, तो उससे क्या होगा ना कि थोड़े टाइम में चश्मे के नंबर बिल्कुल निकल जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है बापू जी। तो क्या भाई यार सवाल पूछ रहे तू? चश्मे के नंबर कम करने का नया खतरा है क्या? सॉरी, पर बताइए तो सही, चश्मा क्यों नहीं पहना आपने? अरे भाई मिल नहीं रहा है इसलिए, पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंने। तो एक और चश्मा बनवाया ना आपका बापू जी, वो कहाँ है? अरे वो भी पता नहीं कहाँ संभाल के रखे, याद ही नहीं आ रहा है। तो रोज जो चश्मा पहनते है वो निकल के कहाँ रख दिया है, वो कुछ याद है आपको? भाई वो याद होता तो खुद ही लेके पहन नहीं लेता। वो भी है, ठीक है आप बैठिए, मैं ढूंढता हूँ, यही कहीं होना चाहिए बापू जी। यहाँ तो नहीं है। क्या कर रहा है तू? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ मैं ढूंढता हूँ, तू वहां ढूंढ। हाँ हाँ है जेठालाल। अरे छोड़ी, तेरा दोस्त कहाँ तक पहुंचा जरा पता करना यार, अभी तक नहीं आया वो। मेहता साहब वो मेरी यार दी छड्डो, वो आपका परम मित्र जेठालाल भी तो नहीं आया ना अभी तक। बिल्कुल सही कह रहे हो यार, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, उसका कोई अता पता नहीं है, दो मिनट का बोल के गया था अभी तक नहीं आया। ओहो मेहता साहब इतना लोड क्यों ले रहे हो? तुसी मेरी गल मनो, तुसी अपनी घड़ी को ना एक घंटा पीछे कर लो, फिर आप एक घंटा लेट नहीं एक घंटा जल्दी हो जाओगे। वाह बहुत अच्छे, लेकिन छोड़ी मैं अपनी घड़ी में एक घंटा टाइम पीछे कर लूंगा, उससे क्या वक्त बदल जाएगा? टाइम तो यही रहेगा ना जो चल रहा है, ऑफिस तो लेट ही पहुंचूंगा ना। जी तो फिर एक काम करो, ऑफिस पहुंचते ही ऑफिस की घड़ी एक घंटा पीछे कर लेना। मतलब सिर्फ ये साबित करने के लिए मैं टाइम पे हूँ, सारी दुनिया की घड़ियों का टाइम एक घंटा पीछे कर लूं है? नहीं ये थोड़ा मुश्किल है। बॉस का फोन। हाँ तो कह दो रॉन्ग नंबर है। यार सोढ़ी आज तुम कैसे आइडियाज दे रहे हो भाई, ये लैंडलाइन फोन नहीं है मोबाइल फोन है, इस पे कैसे बोल दूं रॉन्ग नंबर है? तो ठीक है फिर बात कीजिए मेनू की। हेलो गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग मेहता। मेहता क्या बात है आज तुम्हारी गुड मॉर्निंग में बड़ा गुड़ मिला हुआ, मीठा मीठा बोल रहे हो। अरे सर मतलब आपका नाम आता है ना मोबाइल फोन की स्क्रीन पे तो दिल खुश हो जाता है, और आपकी आवाज सुन के तो स्वर जो है स्वतः ही मधुर हो जाता है, अपने आप मीठे मीठे स्वर फूटने लगते हैं। सर ज्यादा मीठा मत बोला करो मेरे साथ, वरना मीठा जो है ना वो बॉडी में जाकर जहर बन जाता है, अरे डायबिटीज हो जाएगी मुझे। वैसे मैं तुम अब तक घर से निकले तो नहीं ना? अब तक घर पे ही हो ना? हाँ नहीं निकला। तुम अब तक घर से नहीं निकले? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, कब तक घर से निकल चुका हूँ और तुम अब तक घर पे ही बैठे हुए हो? मैंने ऐसा कब बोला सर? आपने गलत सुना शायद, मैं तो बोला नहीं निकला, मतलब नहीं मैं निकल गया हूँ, ऐसा ऐसा कहना चाह रहा था मैं। ये दो माथे का बॉस दोगली बातें कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, शायद मैंने सुनने में गलती की हो, वो तो मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम बहुत ही ऑनेस्ट हो, कभी झूठ नहीं बोलते। अरे कैसे झूठ बोलूंगा आपके सामने, झूठ बोलूंगा तो पकड़ा नहीं जाऊंगा।
आप इतनी पहुंची भी हस्ती है, मतलब इतने शातिर है ना, मतलब इतने होशियार, इंटेलिजेंट, स्मार्ट है सर आप। निकल गया मैं रास्ते में हूँ। रास्ते में हूँ लेकिन मुझे कोई ट्रैफिक की नॉइज तो आ नहीं रही, ना कोई हॉर्न वगैरह की साउंड आ रही है। नहीं नहीं सर, क्या चारों तरफ बहुत ट्रैफिक है एक्चुअली। लेकिन क्या, वो आज मैंने कैब बुक की ना सर, तो एसी है तो चारों कांच बंद है तो आवाज नहीं आ रही सर। ठीक है ठीक है, जल्दी ऑफिस पहुंचो, आज बहुत सारे पेंडिंग काम खत्म करने हैं। मैं कर दूंगा सर, आप आराम से पहुंचिए। आराम से? व्हाट डू मीन आराम से? आराम क्या होता है? आराम आराम है, मैं रास्ते में हूँ, बहुत काम करना है आज, जल्दी पहुंचो, मिलते हैं ऑफिस में। ठीक है सर, ओके ओके बॉस। क्या हुआ मेहता साहब? अरे क्या होना है सॉरी, मेरा बॉस ऑफिस पहुंचने के लिए निकल चुका है और मैं अभी तक यहीं खड़ा हूँ। एक मिनट, मैं जेठालाल को फोन लगाता हूँ और पूछता हूँ भाई टाइम की कोई वैल्यू है कि नहीं। तुम जेठालाल को छोड़ो सॉरी, तुम अपने उस मनिंदर को फोन लगाओ भाई। मनिंदर? कौन मनिंदर? अरे जो तुम्हारी गाड़ी ला रहा है। वो गड्डी तो सुरिंदर लेके आ रहा है। तो जो भी ला रहा है उसे फोन लगाओ भाई, सुरिंदर को फोन लगाओ, पूछो कहाँ पहुंचा है वो। हाँ जी लगाता हूँ, लगाता हूँ। रिंग जा रही है, फोन नहीं चक रहा, लगता है गड्डी चला रहा होगा। मुझे गड्डी चलाते समय ना फोन नहीं उठाना चाहिए। अच्छा मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब, तुसी जेठालाल को फोन क्यों नहीं लगाते? वो तो गड्डी नहीं चला रहा, वो तो फोन चुक लेगा। कोई उसको पूछो, कोई दो मिनट इतने लंबे होते। बाबू जी यहाँ तो सब जगह ढूंढ लिया, यहाँ तो कहीं नहीं है आपका चश्मा। आप सुबह चलने गए थे बाबू जी? हाँ चलने भी गया था और सोसाइटी के मंदिर भी गया था। तो तभी आपने चश्मा पहना था? तो बिना चश्मे के कैसे जाऊंगा उड़ के? नहीं मतलब जब भी आप मंदिर से वापस घर आए तभी भी आपने चश्मा पहना था? समझ गया, नहीं पहना ही था। अच्छा बाबू जी आपको बिना चश्मे का तो सब एकदम धुंधला धुंधला नजर आ रहा होगा, नहीं? क्या बोल रहा है जेठिया तू, बिना चश्मे के तो सब धुंधला ही दिखेगा ना। नहीं नहीं वो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ बाबू जी कि शायद आपको याद आ जाए कि लास्ट चश्मा पहन के आपने एकदम क्लियर क्या देखा था। याद नहीं आ रहा है। याद करने की कोशिश कीजिए बापू जी, याद आ जाएगा, याद कीजिए। आखिरी बार चश्मा पहन के क्लियर कट क्या देखा था? नहीं बापू जी आंखें खोल के मत सोचिए, आंखें बंद करके सोचिए, पूरा अपना ध्यान है ना वो एकदम आंखों पे केंद्रित कीजिए तो याद आ जाएगा। सोचिए, याद आ रहा है बापू जी? कुछ याद आया, कुछ दिखा बापू जी? सो गए क्या? अरे क्या सो गए, तो बिना चश्मे के कब से सर दुख रहा है, ऊपर से कान में बोल बोल के और सर दुख रहा है। सॉरी सॉरी बापू जी, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ बोलिए मेहता साहब। अरे जेठा कहाँ हो तुम भाई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम दो मिनट का बोल के गए थे अभी तक नहीं आए हो, तुम मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। बस बस दो मिनट, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। फिर दो मिनट। छोटी की जीप आ गई? नहीं अभी तक नहीं आई है। अरे तो फिर क्या टेंशन, तो जीप आने से पहले तो मैं नीचे आ जाऊंगा मेहता साहब, एक दो मिनट बस आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आ जाओ भाई, ठीक है ठीक है, ओके। क्या जेठाप्राने बोल रहे, तुम्हारी गाड़ी आने से पहले नीचे आ जाएगा। तुझे जल्दी है तो तू जा, मेरा चश्मा मैं ढूंढ लूंगा। अरे बापूजी अभी आपने बोला बिना चश्मे के आपको सब धुंधला नजर आ रहा है, तो आप कैसे ढूंढेंगे चश्मा? हाँ लेकिन थोड़ी ठोकर खाते खाते ढूंढ लूंगा, तू जा जा जा। कैसी बात कर रहे हैं बापूजी आप, मैं आपको यहाँ ठोकर खाता हुआ छोड़ के दुकान कैसे जा सकता हूँ? नहीं अभी तो मैं आपका चश्मा ढूंढ के दुकान जाऊंगा। मुझे एक बात बताइए बापू जी, आप जब मंदिर से घर आए तो सीधा अपने कमरे में गए थे? हाँ। बस तो फिर आपका चश्मा आपके कमरे में ही होना चाहिए बापू जी। एक मिनट मैं ढूंढ के आता हूँ। एक मिनट रुक, मैं भी आता हूँ, चश्मे मिलते ही वहीं पहन लूंगा। नहीं नहीं बापू जी आप यहीं बैठिए, आराम से बैठिए, पेपर वेपर पढ़िए। सॉरी चलिए आइए। आप छोड़ क्या, हाथ पकड़ के कहाँ लेके जा रहे? चल संभाल। हाँ संभाल के, मालूम है। चल चल चल। इधर टिपोय, हाँ आइए आते रहिए, इधर उम्रा है संभालिए। अरे पता है भाई उम्रा है। आइए आइए बाबू आइए।
ये देखो भैया, चश्मा कहाँ है? अरे चश्मा नहीं बापूजी, क्या ये देखो? ये टप्पू अभी तक सो रहा है, वो बोल रहा था कि ये देखो। अरे क्या देखो देखो जेजा, मुझे पता है मुझे बिना चश्मे के धुंधला दिख रहा है, फिर भी कब से बोल रहा है देखो देखो। वहां बाहर हॉल में भी बोल रहा था पेपर पढ़ो। टप्पू सो रहा है मुझे पता है, जेजा बोल रहा है देखो, तू देख। मैंने तो देखा तभी तो आपको बोला कि देखो। और ये अच्छा है बापूजी, टप्पू देर तक सो रहा है तो आप उसे कुछ नहीं कह रहे, पर मेरा तो उधड़ा ले लेते, कितना सुनाते आप मुझे। तो टप्पू तेरी तरह देर रात तक टीवी नहीं देख रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था इसलिए उसे सोने दिया है। टप्पू हो सकता है उसे पता हो बापूजी आपका चश्मा कहाँ है। अरे वो तो सो रहा है, उसे कैसे पता होगा। आप चलने गए उसके बाद हो सकता है वो उठा हो तो उसने देखा हो आपका चश्मा कहाँ है। मैं चलने गया तभी तो चश्मा पहन के गया था ना। हाँ तो उसको उठा के मैं ये तो पूछ सकता हूँ ना कि आपका जो दूसरा वाला चश्मा है वो कहाँ है, हो सकता है उसके बारे में उसे पता हो। मतलब तुझे उसे जगह नहीं है। हाँ आपका चश्मा ढूंढने के लिए बापूजी, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है बापूजी कि आपको धुंधला दिख रहा है, पर बिना चश्मे के आपको कितनी तकलीफ हो रही है, पर आपकी तकलीफ देख के मुझे तकलीफ हो रही है बापूजी। लेकिन मेन तकलीफ की बात यह है कि मेरी तकलीफ आप देख नहीं सकते। बेटा तूने मेरा चश्मा कहीं देखा है? हाँ कहाँ देखा टप्पू? उठ उठ, कहाँ देखा? कहाँ देखा? किसको? अरे किसको क्या, बापूजी का चश्मा तूने देखा? तूने भी बोले ना हाँ देखा, तो कहाँ देखा बापूजी के चश्मे को? कल रात को दादाजी के चेहरे पे। अरे उसके बाद आज सुबह बापूजी चलने गए। तू सो जा भाई सो जा। मैं कैसे सो सकता हूँ बापूजी, मैं तो दुकान जाने के लिए तैयार हो गया हूँ। अरे धीरे बोल, धीरे क्यों रहा है? उसे सिर्फ धुंधला दिख रहा है, बिना चश्मे के सुनाई बराबर दे रहा है। और वैसे भी मैं तुझे नहीं बोल रहा था सो जा, मैं टप्पू को बोल रहा हूँ सो जा बेटा सो जा। वो सो गया है बापूजी। अरे भाई तू मेरा चश्मा ढूंढना भाई। हाँ तो जैसा कि आपने कहा कि आप मंदिर से सीधा अपने कमरे में आए, तो क्या आपको याद है कि कमरे में आके सबसे पहले आपने क्या किया? बाथरूम गए। वाह, मतलब बापूजी अभी हो ना हो मुझे लगता है आपका चश्मा बाथरूम में ही है। ये कमाल है, ये जेठालाल ने फोन कर दिया। कमाल है यार सोडी, तेरा दोस्त और मेरा दोस्त बिल्कुल एक जैसे है ना, दो मिनट में वो आ रहा है ना, दो मिनट में ये आ रहा है, मुझे रिक्शा ही पकड़ना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ भाई। अरे मेहता साहब रुकिए रुकिए, मेहता साहब ये तो गलत बात है। ओ जी दोस्त ने कहा दो मिनट रुको, तो आप दो मिनट नहीं रुक सकते? वो अभी थोड़ी देर में जेठालाल और सुरेंद्र दोनों आ जाएंगे, वो हम हंसते खेलते काम पर पहुंच जाएंगे। अरे पर कब आएंगे, ये दो मिनट पूरे ही नहीं हो रहे, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है सोडी, मुझे जाने दे भाई, बॉस मेरा इंतजार कर रहा है। क्या जमाना आ गया, एक बॉस अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारी के लिए इंतजार कर सकता है, लेकिन एक दोस्त दोस्त का इंतजार नहीं कर सकता। कैसे उदाहरण दे रहे हो सोड़ी, ऐसे गलत दृष्टांत मत दो, यहाँ पे दोस्ती का सवाल नहीं है, नौकरी का सवाल है मेरी। ठंडे रखो मेहता साहब, एक बार सुरेंद्र को आ जाने दो, मैं आपको दो मिनट में ऑफिस पहुंचा दूंगा। अरे दो मिनट दो मिनट दो मिनट सुनते सुनते कितने मिनट हो गए सोड़ी, वो गाड़ी चला रहा है बैलगाड़ी चला रहा है, उससे पूछो तो सही मेरे दोस्त कहाँ तक पहुँचा है। अच्छा कूल डाउन कूल डाउन, मैं फोन लगाता हूँ। ओ सुरेंद्र, हाँ हाँ सत श्री अकाल, वो कितने पहुंचे है तू? वो जल्दी कर यार थोड़ा अर्जेंट है। अच्छा अच्छा ओके जी ओके, कह रहे दो मिनट में आ रहा है जी। ए, दो मिनट उससे पूछ ले भाई, उसके एक मिनट में कितने मिनट होते हैं आखिरकार। ओ जी सुरेंद्र अपने टाइम का पक्का है जी, दो मिनट का है ना तो दो मिनट में आ जाएगा जी। तब तक ईश्वर करे जेठालाल भी आ जाए। ए भगवान मेरी मती मारी गई थी जो आज मैंने सूढ़ी के साथ जाने का सोचा, और तो और जेठालाल के लिए और रुक गया। गुड मॉर्निंग सड़े, गुड मॉर्निंग मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग अय्यर ब्रा। ऐसा ऊपर क्या देखता है, रॉकेट आने वाला है क्या? नहीं रॉकेट नहीं,
वो अपने परम मित्र जेठालाल का इंतजार कर रहे। तो फिर कर दे रो इंतजार। तुमको मालूम है ना जेठालाल का असली नाम लेटालाल है। वो नहीं आएगा। वो ऐसा मत बोलो यार प्रा, तो जेठालाल आएगा। जेठालाल आएगा। अरे गुड मॉर्निंग आत्माराम। गुड मॉर्निंग अय्यर। क्या बात है सोड़ी मेहता साहब, आप दोनों अभी तक यही हो? अच्छा है, लगता है फुर्सत में हो। अरे बिल्कुल फुर्सत नहीं है भिड़े, मुझे लेट हो रहा है। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूटर पे चलता हूँ। स्कूटर नहीं मेहता साहब, सखारा। हाँ सॉरी सॉरी, आदरणीय श्री सखाराम भाई, मैं चलता हूँ। मेहता साहब क्या हुआ? ये तो सरासर गलत है, वो अपने प्यारे परम मित्र जेठालाल के साथ धोखा, मेरे नाल धोखा। अरे तो पहले आपने कहा कि आप मेरे साथ चलोगे, फिर आपने जेठालाल से कहा कि दो मिनट रुकता हूँ, और आप पीड़ू के साथ जा रहे हो, ये तो गलत है ना? अरे क्या गलत है सोड़ी? मेहता साहब सोड़ी आपको जाने नहीं देगा, तो आत्माराम के साथ मैं चला जाता हूँ, मेरे को भी आप इधर जल्दी जाना है। अरे नहीं नहीं यार, तुम नहीं जा सकते, मैं जाऊंगा, पहले मैंने बोला भिड़े को। सॉरी मेहता साहब, मैं आपको नहीं लेके जा सकता, आइए तुम चलो। एक मिनट आइए, एक मिनट आइए। भिड़े ये क्या बात हुई, खुलेआम भेदभाव, पहले मैंने कहा फिर भी तुम मुझे ले जा रहे हो, मुझे नहीं ले जा रहे हो? अरे भेदभाव की बात नहीं मेहता साहब, दरअसल मैं जहाँ पे जा रहा हूँ उसकी उल्टी दिशा में आपकी ऑफिस पड़ती है, और अय्यर की ऑफिस उसी दिशा में, इसलिए मैंने अय्यर को बोला। ओहो, मतलब जाना है जापान और तुम जा रहे हो चीन। मेहता साहब आपका ऑफिस जापान में? ओ अय्यर प्रा, आप हमारे देश के इतने होनार साइंटिस्ट होकर चीन में काम कर रहे हैं? अरे कहावत है सोड़ी, कहावत। ऐसी कैसी कहावत है जो इतनी कंफ्यूजिंग है? चलो आत्माराम चलते हैं, शाम को मिलते हैं। चलो चलो बैठो, बैठ गए। चलो बाय 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 बाय। ओ जेठालाल आने वाला नहीं है। कमाल है, ये लोग मेरे से बाद में नीचा है और ये पहले चले गए, और जिसको लेट हो रहा है वो अभी तक यही खड़ा है कंपाउंड में। कैसी गल्ला कर रहे हो तुसी मेहता साहब, मैं भी तो रह गया हूँ आपके साथ। अरे पर तुम्हारा बॉस तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है सोड़ी। अरे तुम अपने दोस्त को फोन करो ना भाई कि कहाँ तक पहुँचा है, क्या उसकी भी घड़ी खराब है जैसे मेरे घर की घड़ी खराब है? किसी की घड़ी टाइम पे चल रही है नहीं चल रही है पूछो ना भाई। जी ठंड रखो, ठंड रखो जी, मैं हुणे फोन करके पूछता हूँ। हेलो सुरेंद्र। हाँ भाई सत श्री अकाल। पोचा कहाँ है तू? आज तू मेरी नाक कटवाएगा? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ओ जी ओके ओके। क्या बोला, दो मिनट में आ रहा है? दरअसल वो क्या है ना, गड्डी का पेट्रोल खत्म हो गया था, पेट्रोल भरवा रहा है, बस दो मिनट में आ रहा है जी। भाई ना तेरे दोस्त के दो मिनट खत्म हो रहे हैं ना, जेठालाल के खत्म हो रहे हैं ना, वो आ रहा है ना ये आ रहा है। अब मैं कैब बुक करता हूँ, जाता हूँ भाई, मुझे लेट हो रहा है। यही ठीक रहेगा। बुक ओ जी, कितनी देर में आ रही गड्डी बताओ ना मेहता साहब, कितनी देर में आ रही है? अरे दो मिनट में। ये भी दो मिनट? हंस क्या रहे हो सोड़ी? ये कैब वाला सुरेंद्र नहीं है ना जेठालाल, ये दो मिनट में आ ही जाएगा। मैं काम करता हूँ, मैं अब्दुल चौक पे जाता हूँ भाई, इंतजार कर। अरे दो मिनट तो रुकिए, मैं मैं की कह रही थी आपने कैब बुक ही करा ली है तो मैं अपने दोस्त को मना कर देता हूँ, खामखा ऑल द वे आएगा। हेलो सुरेंद्र। हाँ सत श्री अकाल, तू राजभोज? मेहता साहब अभी तक आप ऑफिस नहीं गए, आज ऑफिस दोपहर के बाद है क्या? अरे अब्दुल भाई मजाक करके और जले पे नमक मत छिड़को, वैसे ही ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ, कैब का इंतजार कर रहा हूँ। कैब? कैब के लिए क्यों इंतजार कर रहे? बोले ना कौन सा चाहिए, लाल पीला ब्लू? अरे कैब नहीं अब्दुल, कैब कैब प नहीं ब, कैब टैक्सी। ओ कैब जो दो मिनट में आने वाली है। लो टैक्सी का नाम लिया और टैक्सी आ गई। मेहता साहब रुकिए रुकिए, मेहता साहब डॉक्टर आते बाद में, मैं बहुत जल्दी में बाद में बात करेंगे प्लीज। मेहता साहब ये कैब मैंने मंगवाई है। क्या बात कर रहे हैं, मैंने बुक की है कैब, ये देखिए नंबर है मेरे पास। आप नंबर देखिए। क्या नंबर है? 8, 9। हाँ ये तो आपने बुक की है। हाँ लेकिन डॉक्टर आती प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं ये आपकी कैब ले जाता हूँ, मेरी कैब आए तब आप ले जाइएगा प्लीज। मेहता साहब मैं आपको मना नहीं करता, पर मुझे एक पेशेंट को देखने जाना है, इमरजेंसी है। अच्छा पेशेंट है, फिर तो जरूरी है।
अच्छा एक काम करते हैं डॉक्टर आती, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। आप किस तरफ जा रहे हैं पेशेंट देखने? आराम नगर। आराम नगर तो बिल्कुल विपरीत दिशा में है। नहीं नहीं नहीं, फिर तो बहुत लेट हो जाऊंगा मैं। ठीक है आप ही जाइए। सॉरी हाँ मेहता साहब। वैसे आपकी कैब कहाँ रह गई जो दो मिनट में आने वाली थी? हाँ यार पूछता हूँ पता करता हूँ, पहले ऐप में देखूं। दो मिनट बता रहा था, 19 मिनट बता रहा है। मैं ड्राइवर को फोन करता हूँ। हेलो। हेलो भाई साहब कहाँ हैं आप? आप दो मिनट में आने वाले थे, आप 19 मिनट बता रहा है। वो रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था तो मैं दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, सॉरी। अरे कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं आऊँ या नहीं? नहीं आप रहने दीजिए, मैं कैंसिल करता हूँ। ठीक है। अरे मेहता साहब आपने मना ना किया होता ना, अब तक सुरेंद्र गड्डी लेके आ जाता, अब तो सुरेंद्र दूर निकल गया होगा। मैंने कब मना किया सोड़ी? तुम्ही ने बोला कि मेहता साहब आपने कैब बुक कर ली है तो अब मैं सुरेंद्र को मना कर देता हूँ, वो गैरेज पहुँच जाए। मुझे अब यहाँ रुकना ही नहीं, मैं बाहर जाकर रिक्शा पकड़ लेता हूँ। अरे अरे मेहता साहब रुकिए, मेहता जेठा पुरा को बता देता हूँ। कमाल है ना बाबू जी, पूरा घर ढूंढा, चश्मा आखिर मिला कहाँ से? तक बाथरूम में से। वो दीदी हमें बाहर से आया, फिर बाथरूम में मुंह धोने गया तो फिर चश्मा वहीं भूल गया। अरे होता है होता है। अरे छोटी कब उन्हें मेहता साहब और छोटी कब से मेरी राह देख रहे हैं। हाँ छोटी बस एक मिनट में वो नीचे आया है, उतरा बस। वो मेहता साहब तो एक मिनट भी रुकने को तैयार नहीं है, वो तो चलते हुए निकल गए। अरे नहीं नहीं उनको रोक भाई, मैं बस नीचे उतर ही रहा हूँ। रोक रोक उनको रोक। वो तुसी छेती अब्दुल की दुकान से थोड़ा आगे आओ। हाँ बस आया, एक ही मिनट में आया। हाँ बापू जी चलता हूँ मैं। जय जिनेंद्र। अभी तो चश्मा मिल गया तो अभी तो सब ठीक है ना, अभी तो पेपर दूं आपको बाबू जी। अरे मैं सब कर लूंगा भाई, तू जा। ओके 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 बाबू जी ओके। रिक्शा रिक्शा, अरे रिक्शा रिक्शा रिक्शा। यार जब जल्दी में हो तभी रिक्शा नहीं मिलता है। मेहता साहब मेरी अभी जेठा प्रा से बात हुई है, वो आ ही रहे हैं। अगर वो आ गया तो ठीक, लेकिन उसके पहले रिक्शा आ गया तो मैं निकल जाऊंगा भाई। अरे हेलो नाम लिया और जेठा प्रा आ गए। मेहता साहब अरे आ गया मैं, आ गया आ गया मैं, आ गया आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी, वो बापू जी का चश्मा नहीं मिल रहा था ना, उसमें थोड़ा टाइम लग गया चश्मा ढूंढने में। फिर कहाँ मिला? बाथरूम में। आपको कैसे पता? अबे बुजुर्ग लोग ज्यादातर कहाँ चश्मा भूलते हैं, बाथरूम में। अरे मेहता साहब कहाँ से चश्मे के बारे में आपसे पहले बात हो गई होती तो चश्मा ढूंढने में इतना टाइम नहीं लगता और आपको लेट नहीं होता। लेट नहीं होता मतलब जेठालाल इतना लेट हो गया कि पूछो मत। मुझे बॉस ने साफ कहा था आज ऑफिस जल्दी पहुंचना है, लेकिन नहीं आपने मुझे कहा कि दो मिनट रुको तो मैं रुका रहा और तुम्हारे चक्कर में जेठालाल ये सब कुछ हो गया। आज बॉस अगर मुझसे पहले ऑफिस पहुंच गया ना तो 100% मुझे नौकरी से निकाल देगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट आउट, और ये सब तुम्हारे दो मिनट के चक्कर में हुआ। अरे इतना टेंशन था तो रुके क्यों, निकल जाना चाहिए था ना। अरे तो जेठा प्रा वो मेहता साहब ऐसे चले जाते तो आपको बुरा नहीं लगता? नहीं नहीं उसमें बुरा क्या लग, बुरा तो मुझे तब लगता जब मेरी वजह से मेहता सबको ऑफिस में दो बातें सुननी पड़ती। देखा देखा सोडी बिल्कुल बुरा नहीं लगता, और तुम हो कि मुझे दोस्ती की दुहाई और कस्मे देके रोके हुए थे। ओ यारो ओ मेरे वास्ते तो सारी दुनिया एक तरफ और दोस्ती एक तरफ, मेरे लिए दोस्ती का नाम जिंदगी और जिंदगी का नाम दोस्ती। नहीं वैसे मेहता साहब इतना टेंशन होने के बावजूद भी आप रुके तो अच्छा लगा। वैसे मेहता साहब मैं आपसे कह रहा था ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बोलो क्या बात थी। मेरा एक मित्र है उसका शेयर बाजार में बहुत जबरदस्त ध्यान पड़ता है, वो खुद भी शेयर बाजार में बहुत पैसे इन्वेस्ट करता है, तो वो कह रहा था कि अभी मार्केट बहुत अच्छे मुकाम पे है और यहाँ से मार्केट और भी ऊपर जाएगी, तो उसके पास एक कुछ बढ़िया टिप है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पैसा शेयर बाजार में लगाने का, तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप भी थोड़ा लगा दीजिए, फायदा होगा। लाल इस जरूरी बात के लिए तुमने मुझे रोका हुआ था? हाँ भाई क्यों, महंगाई के जमाने में दो पैसे कमाना जरूरी नहीं है क्या? ओ जी जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। ओ जेठा भरा तुसी मेनू दसो, ओ मैं करूंगा पैसे इन्वेस्ट। शाबाश मेहता साहब आप। अबे जेठालाल जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। भाई हम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए शेयर बाजार की ऊंच नीच समझना बिल्कुल लोहे के चने चबाने जैसा है। हम लोग जाते हैं कुछ पैसा कमा ले, लेकिन नुकसान करके आते हैं, इसलिए हम लोग दूरी भले भाई मुझे नहीं करना। नहीं आप समझ नहीं रहे, इसमें समझने का कुछ है ही नहीं मेहता साहब। कहाँ जाएंगे? अरे क्या बात है, पहली बार ऐसा देख रहा हूँ रिश्ता वाला खुद पूछ रहा है कहाँ जाएंगे।
चलो बैठो बैठो बैठो। अरे आपको लेट हो रहा, आप पहले बैठो। अरे मैं सबसे पहले उतरूंगा इसलिए बोल रहा हूँ बैठो। हाँ तो आपके बाद फिर मैं उतरूंगा, तो छोटी तू पहले बैठ। अरे भाई रिक्शा खाली। अरे नहीं भाई नहीं, कर रखा है रिक्शा। चलो 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 घुस 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 बैठो बैठो। तो और कोई घुस जाएगा? चल आया मेहता साहब। हाँ आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया। चलो भाई चलो चलो जल्दी चलो चलो। मैं वो जब कह रहा था ना, अरे वो सब छोड़ो अभी यार। अरे भाई साहब आप थोड़ा जल्दी चलाओ ना यार, देर हो रही है यार। ओ मेहता साहब तुसी कहो तो मैं गाड़ी चलाऊं। मुझे जल्दी पहुंचना है भाई, सॉरी तू रहने दे भाई। मैं तो हेल्प कर रहा हूं। अरे रुक जा भाई दो मिनट। मैं वो कह रहा था, अरे मुझे नई शेयर में इन्वेस्ट करना है भाई जेठालाल। अरे पर इसमें आज कुछ समझने जैसे है नहीं। अरे जेठालाल अभी तुम समझने की कोशिश करो, मेरा बॉस वो दो माथे का बॉस मेरी ऐसी तैसी कर देगा यार। मेरी बात तो सुनो एक बार, तो क्या एक टिप उसको मिली है तो आपको? जेठालाल मुझे शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, तुम जल्दी चलो ना भाई। चला तो रहे भाई वो, क्या अभी तुम समझ नहीं रहे हो जेठालाल। क्या? अरे वो मुझे नौकरी से निकाल देगा यार। कौन? अरे मेरा बॉस और कौन? वो निकाले उसके पहले आप नौकरी से निकल जाओ। जेठालाल है ना अपनी गड्डा इलेक्ट्रॉनिक, तो मैं वहाँ क्या नट्टू का घर भागे की तरह काम करूँ? अरे पार्टनर बना लूंगा आपको यार, आप टेंशन क्यों लेते हो? जेठालाल तुम्हारा कोई बॉस इंतजार नहीं कर रहा, तुम खुद के बॉस खुद हो ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। आ गया भाई आ गया। हाँ बस 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 यही रोक दीजिए, यही रोक दीजिए बस बस। ओके मेहता साहब। हाँ जेठाल बाद में कितने पैसे बता देना, हिसाब कर लेंगे हम लोग। नहीं बाद में क्यों, अभी हिसाब करते हैं ना। अभी तुम्हें पता है ना मुझे लेट हो रहा है, बॉस इंतजार कर रहा है भाई। तो लेट रहता जाओ ना भाई, अभी हिसाब करते हैं ना बाद में। जाओ भाई जाओ जाओ। सॉरी सॉरी। चलो चलो भाई चलो चलो चलो। पता नहीं ये मेरे दो माथे का बॉस आज मेरा क्या हाल करेगा, बचा लेना भगवान। टू स्वीट टू स्वीट। थैंक यू सर। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, इस चाय की बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी सर। तुम यहाँ पर कितने साल से काम कर रही हो? सर मुझे यहाँ काम करते हुए 4 साल हो गए। कभी देखा तो नहीं काम करते हुए? मतलब तुम 4 साल से मेरी सेक्रेटरी हो, और तुमको ये भी नहीं पता कि मैं चाय में चीनी कम पीता हूँ? सर पिछली बार चीनी कम थी तो आप ही ने तो कहा था कि चीनी ज्यादा डालो। ओह तो मतलब गलती मेरी है, मैं ही बेवकूफ हूँ जी। मैं बेवकूफ हूँ? नहीं नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है बाहर जाओ और मेहता को अंदर भेजो। आया है ना वो? सर मेहता सर तो अभी तक नहीं आए। नहीं अब तक नहीं आया। इस ऑफिस में अकेला मैं ही काम करता हूँ और कोई काम नहीं करता है। और सर मैं भी तो यहाँ काम करती हूँ। तो फिर एक काम और करो, बाहर जाओ, जब वो मेहता आ जाए उसको अंदर भेजो। यस सर, मैं रिसेप्शन में इन्फॉर्म कर देती हूँ, जैसे ही मेहता सर आएंगे वो आपके पास भेज देंगे। तो सर मैं अभी जाऊँ? नहीं, तुम यहाँ पर खड़े रहकर मुझे एक अच्छा सा गाना सुनो। अरे गाना मत गाओ, बाहर जाओ और मेहता आए तो उसको अंदर भेजो। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। गुड मॉर्निंग मेहता सर। इस मॉर्निंग में कुछ भी गुड नहीं है। सर अच्छा आप आ गए। अच्छा हुआ आ गए, मतलब कहाँ जाता मैं, मेरे पास जाने कोई और जगह, यही आऊंगा ना भाई, बॉस तो नहीं आया अभी तक। हाँ सर आ गए। आ गए? हाँ सर कब के आ गए, और गुस्से में 2-3 पेन भी तोड़ चुके। भाई आप लोग उनके केबिन में कोई और चीज नहीं रखवा सकते हैं क्या? कोई आदमी कलम कैसे तोड़ सकता है, जो चीज जोड़ने का काम करती है उसे तोड़ी कैसे जा सकती है? ये तो सर आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। अभी भगवान से प्रार्थना कीजिए और शेर के गुफा में जाइए। बॉस कब से आपको याद कर रहे हैं? सीमा शेर की गुफा से अगर जिंदा वापस आया तो मुलाकात होती है? एक मिनट, यहाँ तो बहुत सारी कंपनियों के लोग आते हैं, तुम्हारी किसी से अच्छी जान पहचान है? क्यों सर? क्या है कि अगर नौकरी चली गई तो कहीं ना कहीं तो अप्लाई करना पड़ेगा ना? सर जान पहचान तो है लेकिन आजकल जॉब नहीं मिल रही है सर। सर 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 टाइम क्या है? टाइम अच्छा नहीं है मेरे भाई, अच्छा नहीं है। सर ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सर। All the best, sir. All the best, sir. अरे
सर। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग सर। आगे लिखो कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू एंशियसली। यस सर। सो नाउ व्हेनेवर यू कम, मे आई कम इन सर? कम्स। आइए आइए, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे दफ्तर में पधारे। सारा ऑफिस आपका इंतजार कर रहा है बेसब्री से, क्योंकि आप तो हमारी कंपनी के VIP हैं। हाँ। नहीं नहीं सर, तो एक साधारण सा कर्मचारी हूँ सर। हाँ, VIP सर। तुमको ये बात पता है और तुम फिर भी लेट आते हो। मैं तुम्हें लेट आने का पगार देता हूँ। नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं सर। मैं बिल्कुल नहीं, लेट आने की तनख्वाह थोड़ी दी जाती है सर। मैं तो आज क्या हुआ कि कोई साधन नहीं मिला सर, वो कैब बुक की लेकिन वो भी नहीं आई। बरसात के दिनों में ऑटो नहीं मिल रहे थे तो थोड़ा सा इस चक्कर में लेट हो गया सर। लेकिन अब मैं कल से टाइम पे आऊंगा सर, लेट नहीं होगा सर। चलो छोड़ो। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग सर। ये बताओ कि कैसा रहा तुम्हारा 20 दिन का वेकेशन? 20 दिन का सर, मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए गया था ना वेकेशन पे। हाँ, लेकिन 2 दिन में मजे तो 20 दिन जितने ही किए होंगे ना। इस पे कोई शक नहीं है सर, 2 दिन में मजे तो 20 दिन जितना है सर। हाँ। तो भी काम भी 20 दिन जितना ही करना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ। हाँ सर, क्यों नहीं? आप 20 दिन की बात कर रहे हैं सर, मैं 20 दिन का काम पूरी मेहनत करके 10 दिन में कर दूंगा। ना, 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 ना। 10 दिन नहीं, 2 दिन में। देखो मैं समझाता हूँ, तुम 2 दिन में 20 दिन जितने मजे कर सकते हो, तो क्या 2 दिन में 20 दिन जितना काम नहीं कर सकते? ये कौन सी गणित हुई सर? तो अब तुम मुझे गणित सिखाओगे? नहीं 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 सर, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपको गणित सिखाऊं सर। नहीं नहीं, बस तो 2 दिन मतलब 2 दिन। एंड डोंट से नो, यू नो इट वेरी वेल, आई हेट नो। फिर कभी नो बोलोगे मुझे? नो सर। नो बोल रहे? नहीं, नो 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 नो। इस बार तो 5-6 बार नो बोल दिया। अरे मेरे कहने का मतलब है सर कि मैं NO नहीं बोलूंगा। अरे ये 2 माथे का बॉस माथा खराब कर दिया मेरा। जी कर रहा है इनके माथे पे तबला बजाओ। ओ हेलो हेलो, तुम ये मनी मन मेरे बारे में सोच रहे हो ना? यस बॉस। क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? नहीं नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूँ। वो नो तो आपको नहीं सुनना है ना, आप यू डोंट लाइक नो, इसलिए मैंने यस बोला। अच्छा ओके ओके ओके। ये फाइलें देख रहे हो? देख रहा हूँ। उठाओ। कहाँ रखनी सर? रखनी नहीं है, काम करना है इनपे। ये सारी फाइलें आज शाम तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। शाम तक? मैं ते तुम अच्छी तरह जानते हो भाई, तुम्हारे बगैर मेरा काम नहीं चलता। तुम क्यों मुझे तंग करते हो? मैं इसलिए कह रहा हूं, आज के बाद तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, ना आधे दिन की ना आधे घंटे की। मैं आज के बाद आपसे अगर छुट्टी मांगू तो आप मेरा नाम बदल देना सर। मैं ते सोच लो क्या नाम रखना है। अरे 365 अलग अलग नाम पड़ जाएंगे तुम्हारे। क्या मतलब सर? मतलब ये है कि तुम छुट्टी मांगे बिना तो रहोगे नहीं। यस सर। यस सर? नहीं बोल। यस सर बोल रहे हो? मतलब तुम छुट्टी मांगोगे? मुझे नो नहीं बोलना है ना, इसलिए मैं यस बोला। आज के दिन मेरे मुंह से जितनी बार भी यस निकले उसका मतलब नो ही समझे सर। ठीक है पकड़ लेता हूँ। देखो तुम आज लेट हो गए तो ठीक है, अब कल से तो लेट नहीं आओगे ना? यस सर। इसका मतलब तुम लेट आओगे। मैंने ऐसा कब कहा? अभी तुमने बोला ना कि अगर मैं यस बोलूं तो आप नो पकड़ो। तुमने यस बोला तो मैंने नो पकड़ लिया। सर मैं शुद्ध हिंदी में बोलता हूँ, मैं कल से लेट नहीं आऊंगा, आधे घंटे पहले पहुंच जाऊंगा। ओके? नॉट ओके बट लेट्स सी। देखो मैं थे, तुम ना बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय हो, बहुत मेहनत से ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन ये जो तुम्हारी रोज रोज लेट आने की आदत है ना, दिस इज वेरी इरिटेटिंग, वेरी इरिटेटिंग रियली। सॉरी सर। आई होप यू इम्प्रूव योर सेल्फ। यस सर। मतलब नो 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 मतलब नो। अरे नहीं सर, अब मैं कैसे समझाऊं आपको सर? देखो अभी तुमने क्या कहा कि सर मेरे यस को नो पकड़ो, तो मैंने नो पकड़ लिया, लेकिन तुम्हारे नो को तो मैं नो ही पकड़ूंगा ना।
आपको क्या समझाऊं? अब मैं फिर से शुद्ध हिंदी में ही बोलता हूं सर कि मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा सर। ओके लेट्स सी। ये सब फाइलों का काम आज शाम तक खत्म हो जाना चाहिए। लेट्स सी। नहीं नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, शाम तक हो जाएगा सर। मैं कर लूंगा सर। गुड डे सर। गुड। अभी सॉरी सर। चेतना और सोडी ने कितना लेट करा दिया मुझे, कितना सुनना पड़ा बॉस, कितना काम। कल से टाइम पे ऑफिस आऊंगा और कोई रोके नहीं रुकूंगा। बस 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 इधर बस 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 बस। जी सोडी मैं क्या करूं, अगर तुझे लेट नहीं हो रहा हो तो आ जा, तू भी उतर जा, एक आध कप मसाला चाय पी के फिर जा गैराज। नेकी और पूछ। अरे वैसे भी पांडे नाल चाय पीने का मौका तो कभी कभी मिलता है। शाबाश 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 भाई। अरे रहने मैं देता हूँ, भाई रुकना भाई। ये लो थैंक यू। आजा छोड़ी आजा। अरे ये क्या गोडाउन बंद क्यों है? वो मेनू की पता नहीं। नहीं तुझे नहीं पूछ रहा हूँ छोटी, मगन कहाँ चला गया? वो मगन अगर गोडाउन में नहीं है तो दुकान पे होगा। चलो दुकान पे चलते। नहीं नहीं भाई दुकान में तो काम चल रहा है ना, 6 महीने से दुकान तो बंद है भाई। क्या दुकान पे अभी तक काम चल रहा है? वो कौन है कॉन्ट्रैक्टर, वो बुलाओ उसको, दो कान के नीचे रख के दूंगा ना, काम फटाफट खत्म कर देगा। नहीं भाई नहीं, हमें कोई मारामारी नहीं करनी है छोटी, तू तो शांति रख, शांति रख, एक मिनट सब हो जाएगा भाई, टेंशन मत। मगन का फोन भी बंद आ रहा है। ओ जेठाफरा ए सब नु छड्डो ना, तुसी मेरे नाल गराज चलो, उत्थे तुहानू मैं ठंडी ठंडी मसालेदार लस्सी पिलाऊंगा। अरे नहीं नहीं छोटी अभी गराज का आज बहुत काम है दोस्त, वो मेरा मां रिजॉर्ट का ऑर्डर है, उसको डिलीवरी करनी है। ओ जेठाफरा तुसी काम कैसे करोगे, मुझे गोडाउन बंद है, मगन का अता पता नहीं है, और ये शटर भी लोखंड का है, वरना तोड़ के तो अनु अंदर घुसवा देता। अरे नहीं नहीं लेकिन शटर तोड़ना क्यों है, छोटी ताला है ना। ओ हाँ तो ताला तोड़ देता हूँ। अरे ताला क्यों तोड़ना है भाई, चाबी है ना। लो चाबी दो, चाबी तोड़ देता हूँ। अरे क्यों? ओ जेठा ब्रा ओ तुसी तो सीरियस हो गए, ओ मैं तो मजाक कर रही थी। सच्ची? हाँ तो ठीक। खोलो खोलो खोलो, बढ़िया मसालेदार चाय पीते। आजा आजा छोड़े। ये क्या, ये क्या सारा माल कहाँ गया? मेनू की पता नहीं, तुझे नहीं पूछ रहा हूँ छोटे, मैं रंग तरंग रिजॉर्ट गया तभी तो यहाँ लाखों का माल पड़ा था, अचानक सारा माल गया कहाँ? मेनू की पता, तुझे नहीं पूछ रहा हूँ सोडी मैं। पर जेठा ब्रा या मेरे अलावा और कौन है जो तुहानू दिख रहे थे, मेनू नहीं दिख रहा। नहीं नहीं यहाँ कोई नहीं है, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। ओ ठीक है। ओ भगवान यार टेंशन का भी पता नहीं क्या मजा आता है, हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही रहता है, जहाँ भी जाता हूँ मुझसे पहले ही पहुँच गया होता है। अच्छा तुझे नहीं कह रहा हूँ सोडी, तुझे नहीं कह रहा हूँ। जेठा ब्रा एक रिक्वेस्ट है, वो जब भी तुसी मेरे नाल गल करो तो मुझे बता दो, वरना बड़ी कंफ्यूजन होती है कि तुसी अपने आप से बात कर रहे हो या मुझसे बात कर रहे हो। ठीक है ठीक। कमाल है सारा माल गया कहां, मैनू की पता। बाका को फोन करके पूछता हूँ, शायद उसको कुछ पता हो इसके बारे में। अभी ये बावरी खेला मेरा फोन नहीं उठा रहा है, भगवान समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गया सारा माल। जेठा ब्रा कहीं ऐसा तो नहीं कि भागा को बड़ा ऑर्डर मिला हो और उसने सारा माल बेच दिया हो? पर ऐसा कैसे हो सकता है छोटी, भागा तो पूरा टाइम हमारे साथ था ना रंग तरंग रिजॉर्ट में। तो मगन? नहीं नहीं मगन नहीं, वो सिर्फ चिंदिया काम करता है भाई। क्या काम? चिंदिया काम मतलब उसको जो काम सौंपते हैं ना उतना ही करता है, अपना दिमाग लगा के एक्स्ट्रा काम नहीं करता है वो। ओ जेठा ब्रा कहीं ऐसा तो नहीं कि मगन ने सारा माल बेच दिया हो और तुहानू ये साबित करने के लिए कि वो ये काम भी कर सकता है? नहीं नहीं मगन ऐसा नहीं कर सकता। नहीं समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, मेरा माल रिजॉर्ट के माल की डिलीवरी करनी है लेकिन माल ही नहीं है तो डिलीवरी कहां से करूं?
ये किसका फोन? मेनू की पता। हेलो हेलो मिस्टर जेठालाल। हाँ कौन? आई एम कॉलिंग फ्रॉम मीरामार रिसॉर्ट। हाँ मीरामार। हाँ हाँ बोलो। हाउ आर यू सर? फाइन 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 मैडम। बोलो फोन क्यों किया? इट्स अ फॉलो अप कॉल सर। एज यू डिस्कस्ड विथ आवर मैनेजर मिस्टर के यू आर डिलीवरिंग फ्रिज एंड टीवी बाय टुमारो राइट? यस डिलीवरी फ्रिज टीवी टुमारो। नो मैडम नो। व्हाई? व्हाई? हाँ व्हाई? किसको आ रही है भाई? ओ उसका चप्पल सुनगा जल्दी। अरे जेठालाल जी ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको हिंदी आती है? हाँ आती है। आता मैं ये कह रहा था कि जिसको भी भाई आ रही है उसको जल्दी से आपका सैंडल सैंडल पहना है अपने तो जो भी पहनो सैंडल चप्पल उसको सुनगा वही बंद हो जाएगी। अरे जेठालाल जी यहाँ किसी को वाई नहीं आ रही है। आपने बोला ना कि फ्रिज और टीवी की डिलीवरी अभी नहीं हो सकती है तो मैंने वही पूछा क्यों वाई क्यों नहीं हो सकती है। वो अच्छा वो अच्छा वो क्यों मैडम वो माल रेडी है मैडम पूरा लेकिन वो क्या क्या इधर वो अपना ट्राइक हो गई अपना ट्रक टेम्पो का ट्रांसपोर्ट का ट्राइक है तो जैसे एक दो दिन में खत्म हो जाएगी ना ट्राइक तो मैं पूरा माल फेंक दूंगा। ओके जेठालाल जी लेकिन परसों से लेट मत करिएगा। वो तो मैडम अभी ट्राइक के ऊपर है ना अगर वो आज खत्म हो गए ट्राइक तो कल के कल फेंक दूंगा माल। आप टेंशन मत लो मैडम मैं जितना जल्दी हो सके माल डिलीवरी कर दूंगा। ओके मिस्टर जेठालाल जी थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे आई मीन आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू मैडम आपका भी वेलकम। कपाड़ शुभ रहे आज का दिन अशुभ ही अशुभ है। अचानक सारा का सारा माल कैसे गायब हो सकता है सोडी? ओ जेठा प्रा ओ मेनू तो एक ही चीज लग रही है। क्या? जब भी सारा माल ऐसे गायब हो जाए तो समझ लो कि चोरी हो गई है। क्या? ओ हाँ ओ जेठा प्रा तुसी मानो या ना मानो पर तोड़ा सारा माल चोरी हुआ है और वो चोरी किसी और ने नहीं मगन ने ही की है। नहीं नहीं सोडी मगन ऐसा नहीं कर सकता। ओ जेठा प्रा तुसी पड़े पोले हो जरा मेरा दिमाग लगा के सोचो। वो जितने दिन तुसी और बागा रंग तरंग रिसोर्ट में थे ना उतने दिन मगन को खुला मैदान मिल गया था माल चुराने के लिए। अरे नहीं छोटे मगन ऐसा कर ही नहीं सकता भाई वो मेरा बहुत पुराना आदमी है उसके सर पे भरपूर बाल थे तब से मेरे यहाँ काम कर रहा है। वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छा आदमी है वो ऐसा नहीं कर सकता छोटे। वो चेता प्रा इंसान सारे अच्छे ही होते ये तो वक्त और हालात उसे बुरा बना देते। वो आपके दोस्त जीके को ही ले लो वो कितना अच्छा इंसान था लेकिन वक्त और हालात ने उसे दवाइयों की कालाबाजारी करने के लिए मजबूर किया ना। ये बात तो सही है छोटी फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा है मगन ऐसा नहीं कर सकता। और दिमाग दिमाग तूने अभी जो उदाहरण दिया वो सुन के अभी दिमाग को थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि शायद ऐसा हो भी सकता है। किसको फोन लगा रहे हो? मगन को? तो बाप रे फिर से सेठ जी का फोन अब तो उठाना ही पड़ेगा। बोलिए सेठ जी आप दुकान पहुंच गए? अरे मैं तो कब का पहुंच गया तुझे फोन भी किया मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है तू? क्या हुआ? क्या हुआ? वो रो रहा है। उसे पता चल गया कि चोरी हुई है? अभी कंफर्म कहाँ हुआ है छोटे के चोरी हुई है? तो फिर वो रो क्यों रहा है? बग्घा तो रो क्यों रहा है भाई? सेठ जी बावरी जी क्या हुआ बावरी को? चले गए। क्या कैसे मतलब अचानक कैसे हो गया? सेठ जी मैं सिर्फ 10 मिनट लेट पहुंचा उसमें तो गुस्सा होकर यहाँ से चले गए।
अच्छा ऐसा चली गई। हाँ, कब से मैं उनको फोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहे हैं। तो उसका बदला तो मुझसे ले रहा था, हाँ? इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा था। सॉरी सेठ जी, अभी तो फोन उठाया ना। बोलिए क्या काम है। अरे क्या काम है क्या, यहाँ आके देख गोडाउन का क्या हाल है। क्यों क्या हुआ, मगन ने साफ सफाई ठीक से नहीं की। अरे साफ सफाई क्या, पूरा गोडाउन साफ कर दिया उसने। मतलब गोडाउन में एक भी माल का बॉक्स नहीं है, पूरा गोडाउन खाली है, खाली। सिर्फ प्लास्टिक की दो कुर्सी छोड़ के गया है और स्टील का एक घोड़ा। मतलब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है भाई, कुछ। एक बोला ना भाई, माल का एक बॉक्स नहीं है। कहाँ गए। अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है जेठाब्रा, मुझे माल की चोरी हुई है और चोरी मगन ने की है। वो तुसी बागा से पूछो मगन कितने है। अच्छा बागा, सेठ जी मगन कहाँ है, आप मगन से पूछिए, उसे जरूर पता होगा। अरे भाई किया था मैंने, मगन को फोन किया था लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। अच्छा तेरी मगन से कोई बात हुई थी। नहीं सेठ जी। तो पता लगा बागा, पता लगा मगन कहाँ है, पता लगा जल्दी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मगन हमारी दुकान के बाजू में ही रहता है, मैं अब भी वहाँ जाता हूँ और पता लगा कर फटाफट गोडाउन पहुँचता हूँ। जा 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 उसका घर, जा घर जा कर पता लगा, जल्दी जा। ओके सेठ जी। वैसे जेठाब्रा मगन को ढूंढने का कोई फायदा नहीं, वो मिलेगा नहीं, वो तो दो दिन पहले दिल्ली से कलकत्ता होता हुआ नेपाल चला गया होगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है छोटी के मगन ऐसा कुछ कर सकता है। वो जेठाब्रा तो अनु पता है, वो विश्वासघात वही करते हैं जिसपे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। बस एक बार मगन मिल जाए बड़ा सारा माल मिल जाए। नहीं नहीं, ये माल मिलना बहुत जरूरी है छोटी, एक तो वैसे कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, ऊपर से अगर ये माल भी अगर नहीं मिला तो मैं तो धंधे में 10 साल पीछे चला जाऊंगा। गल है, फिर तो एक ही रास्ता है। क्या, पुलिस। जल्दी से जल्दी पुलिस को बुलाते और कंप्लेंट कर देते। नहीं, यही नंबर है। नहीं, नहीं वो पता है लेकिन पुलिस को भी नहीं बुलाते, एक बार बागा को आ जाने थे, पता तो चले बात क्या है, फिर अगर लगे तो पुलिस को बुला लेंगे। ये भी ठीक है। आओ जी बैठो, जी बैठो, वो आओ जेठा ब्रा बैठो, अरे अपना ही गुड़ाउन है, आओ बैठो जी। ओ जेठा ब्रा बैठ जाओ, वो बैठ के देखो या खड़े रह के देखो, वो दिखना तो यही है खाली। ओ जी बैठ जाओ जी, रिलैक्स करो, रिलैक्स, ठंड रखो। रिलैक्स कैसे करो छोटे, ऐसे। ओ जेठा ब्रा कब से चल रहे हो, तुसी तुसी बैठ जाओ। नहीं बैठना छोटी मुझे, थैंक यू, नहीं बैठना। सच में पूरा गोडाउन खाली है। अरे सच में मतलब मैं क्या झूठ बोल रहा था। नहीं नहीं ऐसे नहीं सेठ जी, तू मुझे ये बता तू मगन के घर गया था कि नहीं। हाँ गया था ना। अरे तो उसका बोलना उधर क्या हुआ। सेठ जी उसके घर पे ताला है। लो जेठा ब्रा ये तो कंफर्म हो गया कि मगन आपको चूना लगा के भाग गया। सेठ जी मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि क्या है मैंने जब उसके अड़ोस पड़ोस में पूछा तो किसी को मगन के बारे में कुछ नहीं पता। ओ जेठा ब्रा मैं तो कहता हूँ कि अभी पुलिस को बुला ही लो। नहीं नहीं पुलिस नहीं, फायर ब्रिगेड को बुलाता हूँ। ओ जेठा ब्रा चोरी का मामला है, इसमें फायर ब्रिगेड क्या करेगी। फायर ब्रिगेड मतलब मेरा पर्सनल फायर ब्रिगेड मेहता साहब। चोरी के मामले में मेहता साहब क्या करेंगे, तहकीकात। नहीं नहीं वो सलाह देंगे, कई बार ऐसा हुआ है छोटी कि जटिल से जटिल परिस्थिति में उन्होंने मुझे ऐसी सलाह दी है कि उस परिस्थिति का हल मुझे यूं मिल गया है। ठीक है मेहता साहब नु बुला लो। मेहता सर ये एक फाइल और। यार हद करते हो, पहले से फाइलें कम है यहाँ पे तो एक फाइल और। मैं क्या करूंगा सर, बॉस ने दी है। ठीक है थैंक यू। वो तो
दिन छुट्टी क्या लो, तीसरे दिन इतना काम करना पड़ता है कि पूछो मत। लगता है छुट्टी क्यों ली। वो जेठालाल का फोन, अभी बात नहीं कर सकता, इतना काम है। अरे ये हुआ, मृता साहब ने मेरा फोन काट दिया। वो तो काटेंगे ही ना। है? काटेंगे मतलब? वो सुबह जब वो तनु फोन कर रही थी, तुझे भी तो फोन काट रही थी। अरे तो तभी मैं काम में था छोटी। तो अभी मेहता साहब काम में होंगे। तो मैं क्या कहता हूँ जेठा भरा, तुझे दो तीन बार एक साथ फोन करो। वो बार बार उनके फोन की घंटी बजेगी ना, तो मेहता साहब सोचेंगे वो जेठालाल बार बार फोन कर रहा है, लगता है उसे कोई अर्जेंट काम है। फोन उठा ही लेता हूँ। हेलो जेठालाल, बोलो। फोन स्पीकर पे रखना जी। क्या है जेठालाल, कोई बहुत अर्जेंट है तो बताओ, मैं बहुत जरूरी काम में, उससे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मेहता साहब, अर्जेंट से भी अर्जेंट काम है। क्या हुआ? वो मेहता साहब, वो जेठा प्रा के यहाँ चोरी हो गई है। क्या बात कर रहे हो? पूरा गोडाउन साफ हो गया, वो लाखों का माल गायब है। हाँ मेहता साहब, कम से कम 40-50 लाख का माल था। 40-50 लाख का माल चोरी हो गया? हाँ मेहता साहब, सिर्फ प्लास्टिक की दो कुर्सी बची है और एक स्टील का घोड़ा। रे बाप रे, मैं अभी आया। ऐते रुक जा, ऐते नहीं। जेठालाल सॉरी, मैं नहीं आ सकता। अरे मेहता साहब, मुझे सिर्फ आपका सहारा है, प्लीज आइए प्लीज। वो सब ठीक है जेठालाल, लेकिन अगर 5 मिनट के लिए मैं अपनी कुर्सी से उठा भी ना, तो आज मेरी नौकरी गई। अरे यार, आप फिर नौकरी की चिंता कर रहे हैं? मैंने सुबह ही बोला था ना मेहता साहब, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में पार्टनर बना लूंगा भाई। अरे जेठालाल, मेहता साहब आप मेरा फायर ब्रिगेड है क्या? नहीं। हाँ भाई, मैं तुम्हारा फायर ब्रिगेड हूँ। अरे तो आपके परम मित्र के जीवन में इतनी भयंकर आग लगी है और आप आने से मना कर रहे हैं। तुम समझ नहीं रहे हो। ओ मेहता साहब, वो दोस्त ही क्या जिसके कंधे पे सर रख कर हम रो ही ना पाए। वो प्यारी क्या जो बात बात में रूठ जाए। ओ शायरों, सॉरी सेठ जी, सॉरी। मेहता साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आइए प्लीज। जेठालाल जेठालाल प्लीज, देखो हाथ मत जोड़ो, तुम क्या कर रहे हो भाई? हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं आना चाहता? अरे मैं आना चाहता हूँ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? लेकिन आज समझो तुम, मैं नहीं आ सकता, बॉस ने मुझे बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो छुट्टी नहीं देगा, मैं बॉस को क्या कह के आऊंगा? मेहता साहब, परिस्थिति की गंभीरता सोचिए, 40-50 लाख का मेरा माल गया है। जेठालाल तुम्हें क्या लगता है मुझे गंभीरता नहीं समझ में आ रही सिचुएशन की? मैं तुम्हारी हालत और हालात दोनों समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूं भाई, मेरी हालत भी समझो। मैं सुबह जरा सा लेट क्या हुआ कि बॉस ने मुझे इतना सुनाया कि पूछो मत, अब क्या कहूंगा मैं? सर, आपको बॉस ने बुलाया है। तो उसमें इतना हंस क्या रहे हो भाई तुम? मैं तो बस बोल रहा था आपको। जाओ, आता हूँ। आ गया बुलावा बॉस का, जा रहा हूँ बॉस के पास, मैं नहीं आ सकता भाई, सॉरी जेठालाल, वेरी वेरी सॉरी। मेहता साहब, आपको हमारी दोस्ती की कसम, आपको आना पड़ेगा। अरे दोस्ती की कसम क्यों दे रहे हो जेठालाल, शर्मिंदा मत करो भाई, मैं कैसे आऊँ? ओ मेहता साहब, तुसी इन्हें वधिया लेखक हो, वो कोई भी कहानी बना के सुना दो बॉस को। बॉस है मेरा, अंजलि नहीं है कि मैं कुछ भी बार खाऊं पीऊं और आके कोई भी कहानी सुना दूं, वो मान जाए? नहीं मानेगा भाई। मेहता साहब, मिल गया आइडिया, अंजलि भाभी। अंजलि भाभी, ये कौन सा आइडिया हुआ भाई? याद है आपको, कुछ टाइम पहले बीमार अंजलि भाभी की आवाज निकालकर मैंने आपको छुट्टी दिलवाई थी, वही वही नाटक हम लोग फिर से दोहराते हैं ना। किसका फोन है? ये काम कर सकता है जेठालाल, कैसे करें इसे? ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं बॉस के केबिन में जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा नंबर अंजलि के नाम से मेरे फोन में फीड कर देता हूँ, ठीक 5 मिनट बाद तुम मुझे फोन करना और कहना कि तबीयत खराब है, मतलब अंजलि की तबीयत खराब है, मैं बॉस से छुट्टी मांगूंगा, और बॉस अगर उस वक्त तुमसे बात करने के लिए कहे, मतलब अंजलि से बात करने के लिए कहे, तो तुम बात कर लेना, ठीक है? ये हुई ना बात। ठीक है, मैं तैयार हूँ, ठीक 5 मिनट बाद मैं आपको फोन करूंगा, आप तैयार रहना। ठीक है, 5 मिनट बाद है। थैंक यू मैडम साहब, थैंक यू। बड़ा मजा आएगा।